मुख्यमंत्री किनको बना रहे हैं? हम तो योगी बनाएंगे। योगी को? हाँ। योगी से तुम्हें क्या फायदा है? फायदा है गेहूँ दे रहे हो, चावल दे रहे हो, सर मान लो दाल दे रहे हो, रिफंड दे रहे हो, पैसा दे रहे हो। अच्छा जी, आप 2022 में चुनाव हो रहे हैं, किनको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं? योगी जी को। योगी जी को? योगी जी से तुम्हें क्या फायदा है? कुछ नहीं, आप देंगे तो भी नहीं की। योगी जी से कोई फायदा नहीं है? वोट किनको देंगे? योगी जी को। फिर भी योगी जी को देंगे? कुछ नहीं करे तो देंगे। अच्छा फिर भी देंगे? और कौन है? अभी आपको योगी जी ने देखो लॉकडाउन लगा दिया था, परेशानी आई थी, तो ये गैया डोल रही है घर, किसानों का नुकसान कर रही है। पूरा आसन आया हुआ है, किसान छोड़ रहे हैं, इनका दोष लगा हुआ है। अच्छा योगी जी का दोष हुआ? फिर भी आप योगी को वोट देंगे? हाँ, और कौन है? बीजेपी की पदभार निषादों के हाथ में, उत्तर प्रदेश में पुनर कमल खिलाएगी निषाद पार्टी। आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर निषाद पार्टी बीजेपी को जिताने में जी जान लगा रही है। कमल सिंह जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज 70 साल में पहली बार किसी चैनल ने आवाज़ उठाई है। आपके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चैनल के लिए। जी जी, आज हमारे मछुआ समाज की आवाज़ ऊपर पहुँचा रहे हैं। जो निषाद पार्टी है, निषाद पार्टी से आप आगरा के जिला अध्यक्ष हैं, तो आपकी निषाद पार्टी बीजेपी को कितना सपोर्ट कर रही है, कितना समर्थन कर रही है? क्या कुछ हो पाएगा बीजेपी के लिए आपकी समाज से? हमारी समाज से पूरा सपोर्ट मिल रहा है और 99% जी 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 वोट मिलेगा हमारी 9 विधानसभा पे। जी जी, और बीजेपी को जिताने का काम। 9 विधानसभा में आपने दौरा किया है, आपने मेहनत की है, तो अब कहना ये है कि ग्रामीण विधानसभा 90 के गांव मेहरा नारगंज के सेतु निर्माण की एक समस्या है कि वहां पर के जो ग्रामीण लोग हैं वो बहिष्कार के लिए बैठे हैं और वो मतदान नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ जनता का क्या सांत्वना देंगे, पार्टी का क्या सहयोग रहेगा? पूर्वांचल में भी बीजेपी की सरकार रही, लेकिन बीजेपी के जो बीजेपी सरकार कहती थी कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अभी तक कार्य नहीं हुआ वो। इसमें आपका क्या कहना हुआ, क्या मुद्दा उठाओगे? कार्य निषाद समाज को भरोसा है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है जी, और उत्तर प्रदेश में भी बनवी जा रही है जी जी, क्योंकि फिर अभी हमारे राजनाथ जी आए थे जी, जी। पे वो भी बोल के गए हैं जी जी, तो हमको भरोसा है कि केंद्र में से भी सरकार है और यहाँ सरकार बनेगी तो पहला काम ये पुल का होगा और हमारे निषाद समाज सभी लोग मान जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष कोमल सिंह ने बताया कि बीजेपी की सरकार बनते ही निषादों को आरक्षण मिलेगा। अब इस बात पर कई सवाल उठने लगे हैं। निषादों ने भगवान राम को पार उतारा था तो भगवान राम ने भी निषाद को राजा बना दिया था। जब निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बना देगी, उत्तर प्रदेश में पुनर कमल खिला देगी, तब क्या राज्य सरकार केंद्र की सरकार से निषाद आरक्षण की बात रख पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी निषादों को आरक्षण दे पाएगी या फिर अपना साम धाम दंड भेद अपना कर सरकार बनाकर निषादों से करेगी टाटा बाय बाय? एसटीवी न्यूज के लिए आगरा संवाददाता हरिओम शास्त्री की ये रिपोर्ट। ये मेरा नाम शुभ नाम है अमर सिंह स्मार्टर, जिला उपाध्यक्ष निषाद पार्टी। जी जी, आपकी निषाद पार्टी का क्या कहना है, मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहूंगी? देखिए, हमारा निषाद पार्टी का पहली बार गठबंधन हुआ है, इससे पहले हमने सपा से 2017 का उपचुनाव लड़ा था, लेकिन सपा पार्टी ने निषाद पार्टी को धोखा दिया जी। उसके बाद में 2019 में उसने आश्वासन दिया था कि निषाद पार्टी को सीट मिलेगी, लेकिन धोखा दिया पूरी तरीके से। निषाद पार्टी का 2019 में बीजेपी के साथ पूरा समर्थन रहा जी, आगामी चुनाव 2022 में निषाद पार्टी का बीजेपी से पूरी तरीके से गठबंधन जी, यानी कि निषाद पार्टी 403 विधानसभा पर चुनाव लड़ रही है। तो उन्होंने, योगी जी ने तो महंगाई कर दी थी हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में देखो डीजल पेट्रोल कितना महंगा कर दिया था, राम मंदिर बना दिया था, राम मंदिर बनवाओ, मंदिर बनवाओ, योगी जी ने राम मंदिर बनवाया है। और भी है यहाँ पर, और भी बात करेंगे हम। आपका क्या नाम है? सीमा देवी। सीमा देवी जी, कौन से गाँव के रहने वाली हैं आप? गड़ी में। अच्छा, 2022 योगी को, योगी के अंदर क्या अच्छाइयाँ मिली है तुम्हें? राशन मिल रहा है, कुछ फ्री का आ रहे हैं जी, मिलो सिलेंडर नहीं मिला आपको? नहीं मिला। फिर भी वोट योगी की देंगे? साइकिल की नहीं देंगे? नहीं देंगे। योगी की देंगे? योगी की देंगे। वापस तुम्हें सिलेंडर ही नहीं मिला है तो फिर चुनाव में देंगे?
अच्छा देखिए यहाँ पर जनता अब की बार रखा है सरकार ने और गौशाला बना रही है और भी कई सारे क्या कहते हैं गौशाला खोलने का प्रोजेक्ट है सरकार के पास में जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। आपकी बात योगी बाबा को आपका मीरा नाम है आपका कहाँ के रहने वाली है गढ़ी एशिया की 2022 में आप मुख्यमंत्री किन को देखना चाहती है योगी जी योगी जी क्या अच्छाइयाँ है तो आप योगी जी को देखना चाहती हैं क्या योगी जी ने आपको क्या दे दिया है योगी जी ने तो पेट्रोल महंगी कर दी थी महंगाई बढ़ा दी थी लॉकडाउन लगा दिया था बताओ बढ़िया है फिर भी उन्हीं को देंगे योगी जी को